हाय फ्रेंड्स, साइबर सोसाइटी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने कंप्यूटर से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ोन से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए हमें सिंपली एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उस ऐप का नाम है पासपोर्ट साइज फ़ोटो एडिटर। इस ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले ही ये ऐप डाउनलोड कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। गेट स्टार्टेड, यानी उसके बाद न्यू फोटो पर क्लिक करेंगे। यानी यहाँ से अपने इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप करके भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, इसमें चार पांच ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें जो लास्ट में ऑप्शन है इंडिया पासपोर्ट, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। 450 DPI को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसे अलाउ कर देंगे। यानी उसके बाद अपने फ़ोटो को चुनेंगे, जो जिस भी फ़ोटो को आप प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए, ये एक फ़ोटो ले लिया मैंने। नॉर्मली ये फ़ोटो भी मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किया है। जैसे गेट स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। यस, ऐप में सिंपली एक दो ऐड भी आ सकता है, आप इसे बंद करते जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसे क्रॉप पर क्लिक करेंगे। देखिए, अपने पासपोर्ट साइज फोटो को क्रॉप कर लीजिए। देखिए, हमारा पासपोर्ट साइज फोटो क्रॉप हो चुका है। आप इस यहाँ से आप अपने फ़ोटो का कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह, एक्सपोजर वगैरह, जो भी आप कलर करेक्शन करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर में कलर करेक्शन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मेरे फ़ोटो का बैकग्राउंड ठीक है, तो मैं इसे रहने दूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। यानी इसे स्किप कर देंगे। यहाँ से आप अपने फ़ोटो पर आउटलाइन भी लगा सकते हैं। चलिए एक आउटलाइन लगा लेते हैं अपने फ़ोटो पर। यहाँ से इसे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड की जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतना ठीक है, इसे डन कर देते हैं। देन सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमारा फ़ोटो सेव हो गया। Do you need an English language test for your UK visa, settlement or ये देखिए, प्रिंट मल्टीपल कॉपीज पर क्लिक करेंगे हम। देन आप जिस भी सीट पर, पेपर सीट पर फोटो को प्रिंट करना चाहते हैं उस पेपर सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ A4 साइज सीट पर प्रिंट करूँगा फोटो के लिए, तो A4 साइज पेपर को सिलेक्ट कर लूँगा। देन ये देखिए, पूरे A4 साइज फोटो पर पेज पर हमारे 36 फ़ोटो आ चुके हैं। मुझे यहाँ पर 6 फ़ोटो प्रिंट करने हैं, तो सिंपली यहाँ पर जो माइनस वाला है इस पर क्लिक करता जाऊँगा और 6 फ़ोटो रहने दूँगा अपने पूरे पेज पर। देखिए, अब हमारे 6 फ़ोटो हो चुके हैं। अब इसे सेव कर लेंगे, तो JPG में सेव कर लेते हैं। देखिए, हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इस ऐप का काम हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। देन इस ऐप को बंद कर देंगे और अपने प्रिंट साइज ऐप को ओपन करेंगे। चलिए, प्रिंट साइज ऐप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे। देन उस पिक्चर को ओपन करेंगे जो आप पिक्चर अभी हमने A4 साइज शीट पर सेव की थी। ये देखिए, हमारी पिक्चर आ चुकी है। पिक्चर छोटी है, तो इसे ऑप्शन में जाकर पिक्चर साइज में फिट टू पेज कर देंगे। देखिए, हमारी
पिक्चर बिल्कुल सही साइज में आ चुकी है। देन ऑप्शन में जाएंगे, देन सिलेक्ट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ यूएसबी से कनेक्ट है मेरे प्रिंटर, तो डायरेक्ट यूएसबी कनेक्टेड पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरा एप्सन एल 130 प्रिंटर फ़ोन से कनेक्ट है। ये देखिए इसके कुछ इसे यूज जेनरिक पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने प्रिंटर पहली बार यूज़ किया, तो इसके कुछ ड्राइवर्स हैं, इन्हें डाउनलोड कर लेंगे फटाफट। देखिए मेरे ड्राइवर्स डाउनलोड हो रहे हैं। ड्राइवर्स डाउनलोड होने के बाद प्रिंटर सेलेक्ट हो चुका है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए सेंडिंग पेज हो रहा है। देखिए हमारा फोटो प्रिंट के लिए जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो कैसे प्रिंट हो रहा है। ये देखिए नॉर्मली हमारा प्रिंटर से फोटो प्रिंट हो रहा है। ये देखिए मेरा फ़ोन प्रिंटर से कनेक्टेड है, इसमें मैंने किसी भी तरह के पीसी का यूज नहीं किया है। आप क्लियरली वीडियो में देख सकते हैं फ़ोन से ओटीजी के थ्रू मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है और फ़ोटो प्रिंट हो रहे हैं। देखिए प्रिंटर चल रहा है, देखिए मेरे फ़ोटो प्रिंट होकर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप जो मैंने कमांड दी थी, ये वही फ़ोटो प्रिंट होकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।